Why to go McDonald's when you can make tacos at home with leftover chapati? So stay tuned for this interesting recipe. बहुत ही आसान, झटपट और बच्चों के लिए खास, ये है leftover roti's tacos. हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता, मंजूस किचन में आप सभी का स्वागत है. तो मैं आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूं. घर में बहुत सारी जब रोटियां बचती है तो हम उससे क्या बनाएं, ये हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है. तो आज हम बनाने वाले हैं लेफ्टओवर रोटी से टैकोस. चलिए तो फिर देखते हैं ये रेसिपी. बट उससे पहले अगर आपने मंजूस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. सबसे पहले हम यहाँ पे अभी लेंगे लेफ्ट ओवर रोटी. यहाँ पे मैंने 4 से 5 लेफ्ट ओवर रोटी ले ली है. अभी हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेंगे. सो टैकोस की फिलिंग्स के लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं, आप देख सकते हैं. और यहाँ पे है कुछ सॉसेस. वेजेस में हमने यहाँ पे लिए हैं स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम. मैंने रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम ली है. और साथ में मैंने यहाँ पे ऐड किया है राजमा. उसके बाद ये सॉसेस है. अभी हम पैन में ऑयल गर्म कर लेंगे. यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन. अभी हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स. अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स आप कम ऐड कर सकते हैं. फिर हमने इसमें ऐड किया ओरिगानो. चिली फ्लेक्स और ओरिगानो से बहुत अच्छा टेस्ट आता है. हल्का सा हम इसे मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ. हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हार्डली 5 to 6 सेकेंड्स के लिए हम इसे भून लेंगे. अभी हम इसमें वेजेज ऐड करेंगे. तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, राजमा और स्वीट कॉर्न लिया था. राजमा और स्वीट कॉर्न मैंने हल्का सा उबाल लिया था, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया. आप अपने मनपसंद कोई भी वेजेज इसमें ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को पसंद हो. और जो बच्चे नहीं खाते हो तो टैकोस में बना के आप उन्हें आराम से सर्व कर सकते हैं. ये फिलिंग दिखने में जितनी कलरफुल लग रही है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगती है. अभी हम सारी सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेंगे. अभी हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक. तो हमारी फिलिंग बनकर रेडी है. तो अभी हम टैकोस बनाएंगे. मैंने यहाँ पे चिली सॉस लिया है, टोमेटो सॉस, मेयोनीज. आप अपने हिसाब से कोई भी सॉसेस इसमें ऐड कर सकते हैं. बट ये सॉसेस से जो टैकोस हम बना रहे हैं उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है. अभी हम इसे हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे. इसमें अभी हम ऐड करेंगे जो हमने फिलिंग्स बनाई है वेजीज की, वो फिलिंग्स हम एक साइड के एज में ऐड कर लेंगे ताकि हमें वो क्लोज करने में बहुत इजी हो जाए. अभी हम इसमें जो टैकोस की खासियत है वो ऐड करेंगे, मोजरेला चीज़. मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज़ यूज़ किया है. आप यहाँ पे प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं. अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आइसबर्ग. ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर सकते हैं. अभी हम टैकोस को क्लोज कर लेंगे. यहाँ पे मैंने पैन ऑलरेडी हीट करने के लिए रख दिया था. इसके ऊपर मैंने ऑयल स्प्रेड कर दिया. अभी हम टैकोस को रख देंगे. हमें सभी तरफ से उसे अच्छी तरह से सेक लेना है. तो दोनों साइड से हमने टैकोस को अच्छी तरह से क्रिस्प कर लिया है. इसी तरह 2 स्पून लेके इसे अच्छी तरह से क्रिस्प कर सकते हैं ताकि वो हर साइड से अच्छी तरह से सेक जाए. तो यहाँ पे टैकोस बनकर रेडी है. अभी हम बाकी के टैकोस बना लेंगे. ये टैकोस बनाना बहुत ही इजी और टाइम सेविंग है. घर में जो भी वेजेज अवेलेबल है उसकी आप फिलिंग तैयार करके ये टैकोस बना सकते हैं. अगर आपको ये टैकोस की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मंजूस किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो हमारे टैकोस बनकर रेडी है. अभी हम इसे थोड़ा चीज़ से गार्निशिंग कर लेंगे. ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं. अभी इसमें मैं और कुछ सॉसेस ऐड करूँगी, टमाटो सॉस, मेयोनीज. हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत कलरफुल होना चाहिए. तो रेडी हमारे मैकडोनल्ड स्टाइल लेफ्ट ओवर चपाती के टैकोस. आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए. अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और भी नई नई रेसिपीज़ के लिए मंजूस किचन के साथ जुड़े रहिए. टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड एन्जॉय.